वैसी सूरत में प्रोपोफॉल या फिर डाइजीपाम भी हम दे सकते हैं। ठीक है, डाइजीपाम में सर एम्पुल, एक एम्पुल, एक वो सारा कुछ बताता हूँ। जी सर, तो डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, इसको दूसरी नाम से क्या जाना जाता है, यूट्राइन क्यूरेटेज के नाम से भी जाना जाता है। यूट्राइन क्यूरेटेज में को करने के लिए ये एक प्रोसीजर है जो कि इन्वेंसिव प्रोसीजर है। इसके लिए हमें एनेस्थेसिया देना होता है। एनेस्थेसिया जो है ये दो टाइप के होते हैं, या तो लॉन्ग एक्टिंग सेडेटिव देते हैं या फिर पैरालिटिक एजेंट देते हैं। जो जनरल एनेस्थेसिया, जो लॉन्ग एक्टिंग एजेंट ये सेडेटिव देते हैं, उसमें डाइजीपाम या प्रोपोफॉल देते हैं। और जहां तक बात है पैरालिटिक एजेंट की, तो उसमें हम केटामिन का इस्तेमाल करते हैं, केटामिन। तो डाइजीपाम जो है वो 10 mg डाइल्यूट करते हैं 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में, 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में, और उसको ए वेरी स्लो आईवी पुश करते हैं। समटाइम इसमें एट्रोपिन मिला के पुश करते हैं, समटाइम इसी में एट्रोपिन मिक्स करके पुश करते हैं। क्योंकि ये जो ये हार्ड ये होता है सेडेटिव होता है, इसकी वजह से समटाइम रिस्पायरेटरी डिप्रेशन एंड कार्डियक डिप्रेशन काउज कर सकता है। तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन एंड कार्डियक डिप्रेशन ना हो, इसके लिए हम साथ में एट्रोपिन मिलाते हैं, इसके लिए हम साथ में एट्रोपिन मिलाते हैं। ठीक है, तो इसको वेरी स्लोली पुश करते हैं, और जब एक बार पेशेंट सेडिएट हो जाता है तब जाके हम शुरू करते हैं। ठीक, उसी तरह अगर केटामिन देते हैं तो केटामिन को 2 ml को हम 2 ml का डाइल्यूशन बनाते हैं 10 ml में, यानी 8 ml डिस्टिल वाटर और 2 ml केटामिन लेते हैं, और इसको स्लोली स्लोली पुश करते हैं। आफ्टर 5 ml ऑफ पुश जो है हम प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। 5 ml को स्टैंड बाई में रखते हैं, जैसे ही पेशेंट लाइट होने लगता है एनेस्थेसिया का, तो वैसे ही 1-1 ml करके हम पुश करते जाते हैं। तो ये तो बात हो गई एनेस्थेसिया की। एनेस्थेसिया के बाद जब हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले मरीज को पोजीशन देते हैं, और उसके बाद पोजीशनिंग के बाद जो है उसका ये कहते हैं, क्या नाम है आपको, पोजीशनिंग के बाद जो है उसको उसका पार्ट प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहला जो पोजीशनिंग रखते हैं, वो पोजीशनिंग क्या रखेंगे, लिथोटोमी पोजीशन में रखते हैं, और उसके बाद पार्ट प्रिपरेशन करते हैं। पार्ट प्रिपरेशन में सेविंग तो सबसे पहले कर देना है, यानी कि एनेस्थेसिया देने से पहले ही सेविंग कर देना है। सेविंग हुआ जाएगा उसके बाद उस पार्ट को सबसे पहले क्या कहते हैं कि हम सेवलॉन से वॉश करते हैं, उस पार्ट को हम सेवलॉन से वॉश करते हैं, पूरा जेनिटल पार्ट को सेवलॉन से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसको बेटाडीन से पेंट करते हैं। टर्मिनोलॉजी समझ लो, सेवलॉन से वॉश करेंगे, बेटाडीन से पेंट करेंगे, सेवलॉन से वॉश करेंगे, बेटाडीन से पेंट करेंगे, एंड थर्ड स्प्रिट से स्टरलाइज करेंगे। तो ये तीन मेथड में, तीन स्टेप में हम इसको पार्ट प्रिपरेशन करेंगे। तीन स्टेप में पार्ट प्रिपरेशन करने के बाद हम स्पेकुलम लेंगे, और वो स्पेकुलम जो है हम ये लेंगे, कस्को स्पेकुलम लेंगे, और कस्को स्पेकुलम लेके फिर उसका जो है हम एग्जाम ये कहेंगे स्पेकुलम डालेंगे। स्पेकुलम डाल के हम स्पेकुलम को हम इंटरनल वजाइनल ऑर्फिस तक पहुंचाएंगे, और वजाइनल ऑर्फिस तक पहुंचा के वजाइना को डायलेट कर लेंगे।
इंटरनल वजाइनल ऑरिफिस तक पहुंचा के हम वजाइना को डायलेट कर लेंगे। डायलेट करने के बाद हम ओपनिंग ऑफ सर्विक्स को, जिसको ऑस के नाम से भी जाना जाता है, ओपनिंग ऑफ सर्विक्स को जब विजिबल हो जाएगा तब ये क्या नाम है सर्विक्स होल्डर से उसको पकड़ेंगे, ओपनिंग ऑफ सर्विक्स को सर्विक्स होल्डर से पकड़ेंगे और उसको अपनी तरफ एंटेरोवर्टेड थोड़ा सा खींचेंगे, एंटेरोवर्टेड उसको थोड़ा सा खींचेंगे। साथ साथ लिखते जा रहे हो ना जी? हाँ सब लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसको अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेंगे, खींचने के बाद जब सर्विक्स आपके टर्म क्या बोले सर, एंटेरोवर्टेड अपनी तरफ खींचे, एंटेरोवर्टेड मूव करेंगे, एंटेरोवर्टेड मूव करेंगे और जब वो हमारी तरफ सर्विक्स आ जाएगा तो डिफरेंट डायमीटर के डायलेटर होते हैं, डीएनसी का सेट होता है, उसमें डिफरेंट डायमीटर के डायलेटर होते हैं, यानी एक पतला जो सबसे पतला होता है वो 5 mm का होता है, 5 mm से लेकर 25 mm तक का डायलेटर होता है, 5 mm से लेकर के 25 mm तक का डायलेटर होता है। वन बाय वन एक को डालेंगे, राउंड राउंड घुमा करके जो है डायलेट करेंगे, राउंड राउंड घुमा करके इस तरह से डायलेट करेंगे सर्विक्स को। जब एक पूरी तौर पे फ्री हो जाएगा, 5 mm वाला पूरी तौर पे फ्री मूव करने लगेगा तो फिर 5 के बाद ये 10 mm वाला लेंगे, 10 mm वाले को फिर जो है उससे डायलेट करेंगे, उसको मूव करेंगे राउंड द क्लॉक मूव करेंगे उसको, फिर 10 mm वाला जब पूरी तौर पे फ्रीली मूव करने लगेगा तो उसके बाद 15 mm वाला फिर 20 mm वाला फिर 25 mm वाला, इस तरह से हम इसको डायलेट करेंगे सर्विक्स को। जब 25 mm वाला पूरी तौर पे मूव करने लगेगा मतलब अब आपका ऑस ओपन हो गया, ऑस ओपन होने के बाद एक क्यूरेटर होता है, इतना जब 25 mm वाला से डायलेट करेंगे, हाँ जब वो फ्रीली मूव करने लगेगा तब जाकर के एक क्यूरेटर होता है जिसमें दो हेड होते हैं और दोनों साइड से बॉडी, बाकी बीच में बॉडी होती है, हेड जो होते हैं एक साइड से स्मूथ होते हैं, ये मैं आप लोग को पिक्चर दिखाता हूँ, नेट पर से पिक्चर दिखाता हूँ, एक मिनट, डाउनलोड कर रहा हूं पिक्चर, आप लोग को ये पिक्चर दिख रहा है? ये तो दिखेगा नहीं, मैं इसका पिक्चर सेव करके आप लोग को ग्रुप में भेज देता हूं, ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोग अगर खोल सकते हैं तो उसको खोलिएगा, तो फिर जो है मैं उसमें वन बाय वन बताऊंगा कि कौन सा क्या क्या है, ठीक है। तो दो हेड होते हैं, दोनों हेड पे एक राउंड एम्प्टी स्पेस होता है और बाकी चारों तरफ से एक ओवा शेप में बना हुआ होता है, हेड शेप में बना हुआ होता है, और ये जो है आपको एक तरफ उसका ब्लंट होता है दूसरी तरफ स्मूथ होता है, और जिस साइड से ये स्मूथ होता है
पहले उस साइड से हम पूरे यूट्राइन इंडोमेट्रियम को उस साइड से पहले पूरे इंडोमेट्रियम को हम ये पिक्चर भेज रहा हूं आप लोग देखिए। इसमें जो ऊपर से जो है वो डाइलेटर है, ऊपर से जो है मिला आप लोग को पिक्चर जी, ऊपर से देखेंगे तो डाइलेटर है, ऊपर से डाइलेटर है, बीच में स्पेकुलम देख रहे हैं आप, कसको स्पेकुलम, और उसके नीचे जो है जो एक बॉडी बनी हुई है दोनों साइड से राउंड सा बना हुआ है हेड टाइप का, इसको क्यूरेटर कहते हैं, इसको क्यूरेटर कहते हैं। उसके बाद जो है एक चिमटा सा बना हुआ वो हमारा सर्विक्स होल्डर है, वो हमारा सर्विक्स होल्डर। फिर थर्ड जो है वो स्मॉल साइज क्यूरेटर है, थर्ड जो है वो स्मॉल साइज क्यूरेटर है। फोर्थ जो है वो ये है आपको ओवम फॉसेफ है, उसके बाद जो है एक ओवम फॉसेफ है, फोर्थ जो है वो ओवम फॉसेफ है, फिफ्थ जो है ये क्या नाम है पीनट होल्डर या गॉज होल्डर है, फिफ्थ जो है वो पीनट होल्डर या गॉज होल्डर है। तो स्पेकुलम को जो के जो इस पार है नीचे की तरफ स्पेकुलम से पहला और तीसरा ये दोनों क्यूरेटर है, तीसरा वाला स्मॉल क्यूरेटर है और पहला वाला जो है वो बड़ा क्यूरेटर है। पहला और तीसरा के बीच में जो दूसरा वाला है वो हमारा सर्विक्स होल्डर है, सर्वाइकल होल्डर है, और चौथा वाला जो है वो हमारा ओवम फॉसेफ है, और पांचवा वाला जो है वो स्पंज होल्डर है, पांचवा वाला जो है वो स्पंज होल्डर है। उसके बाद एक पतला रॉड सा दिख रहा होगा जिसमें नीचे से एक चपटा सा लगा हुआ, ये बेसिकली यूट्राइन वॉल को मेजर करने के लिए है, इसका सिर्फ यूट्राइन वॉल को मेजर करने के लिए होता है ये। तो अब हम बात करते आगे कि जब क्यूरेटर डालेंगे तो क्या, पहले तो स्मॉल वाला क्यूरेटर डालेंगे, स्मॉल वाले का पहले स्मूथ साइड से डालेंगे, स्मूथ साइड से पूरा जो है इसको रगड़ के इंडोमेट्रियम को रगड़ के वास साफ करेंगे। उसके बाद फिर स्मॉल साइज का ब्लंट साइड वाला, फिर स्मॉल साइज का ब्लंट साइड वाला डालेंगे, और ब्लंट साइड वाले डाल के वापिस से पूरे को क्यूरेट करेंगे, पूरे इंडोमेट्रियम को, और उसके बाद जो है हम जो भी निकलेगा उसको निकाल लेंगे। फिर जब स्मॉल हो जाएगा, जब स्मॉल वाले से हो जाएगा, सर धीरे धीरे लिखाइए ना सर, धीरे धीरे बोलिए ना सर, लिख ही रहे ना हम लोग, आप बोलते चले जा रहे हैं, छूट जा रहा है। तो पहले स्मॉल साइज वाला को स्मूथ साइड की तरफ से डालेंगे, और स्मॉल क्यूरेटर को स्मूथ साइड की तरफ से डालेंगे और इंडोमेट्रियम को रगड़ के साफ करेंगे, फिर ब्लंट साइड की तरफ से डालेंगे, फिर उसको इंडोमेट्रियम को क्यूरेट करके पूरा साफ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जो है हम लार्ज वाले इसको डालेंगे, क्यूरेटर को लार्ज वाले क्यूरेटर को डालेंगे जी, लार्ज वाले क्यूरेटर को डाल करके उसके स्मूथ, पहले स्मूथ साइड से फिर ब्लंट साइड से, पहले स्मूथ साइड से फिर ब्लंट साइड से क्यूरेट करेंगे, क्यूरेट करके जो भी प्रोडक्ट आता है उसको हम उसी क्यूरेटर के जरिए अंदर से बाहर खींचेंगे। जब ये हो जाएगा तो समटाइम आप क्या कहते हैं, एवरी केस में नहीं लेकिन कुछ एक केसेस में, यानी कि ऑलमोस्ट 50% केसेस में ही उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के लिए हम क्या कहते हैं कि एक 10 ml या 20 ml वाला सिंच में NS या डिस्टिल वाटर लोड करते हैं, NS या डिस्टिल वाटर लोड करते हैं, और वहीं से सर्विक्स ऑस के जरिए, सर्वाइकल ओपनिंग के जरिए उसमें पूरा वाटर पुश करते हैं फोर्स में। जब फोर्स में पुश करते हैं तो फिर वो चूंकि हमारा ऑस ओपन है
तो वो पूरा वास करके निकल जाता है। इनकेस अगर नहीं भी निकलता है तो जो है जब खड़े होगी वो मरीज खड़ी होगी या ऐसे छोड़ देंगे रिलैक्स और सर्विक्स को तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। फिर भी जब वास कर लेते हैं तो उसमें 5 से 7 ml हम ये बेटाडीन पुश कर देते हैं कि अगर किसी तरह का कोई भी ये हो तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और कोई अगर ऐसा इरोजन हो गया हो तो उसको हील करा दे। इसके लिए हम अंदर में बेटाडीन डाल देते हैं 5-7 ml। ठीक है, 5-7 ml बेटाडीन डालने के बाद हम क्यूरेटर हटा लेते हैं। क्यूरेटर हटा करके एक गॉज पीस लेते हैं। गॉज पीस से जो गॉज होल्डर बताया या पीनट होल्डर भी उसी को कहते हैं, गॉज होल्डर भी उसी को कहते हैं। तो गॉज को गॉज होल्डर में गॉज को लगाते हैं, उसमें बेटाडीन लगाते हैं और वापिस से पूरे इंडोमेट्रियम को पेंट कर देते हैं। इसके जरिए गॉज के जरिए इंडोमेट्रियम को पूरे पेंट कर देते हैं। फिर हम वो गॉज को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर वो गॉज को हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद एक वजाइनल पैकिंग तैयार करते हैं। वजाइनल पैक तैयार करने के लिए क्या कहते हैं कि पूरा समझ लो एक 6 इंच वाला गॉज का पैकेट, उसमें हम उसको बेटाडीन में गीला कर देते हैं, मॉइस्ट कर देते हैं और उसके बाद ये वजाइनल पैकिंग से पहले जब ये हम बेटाडीन से पेंट कर देते हैं इंडोमेट्रियम को तब इसको छोड़ देते हैं। सर्वाइकल जो होल्डर है उसको ओपन कर लेते हैं, सर्विक्स अंदर यूट्रस इनसाइड चला जाता है, जो भी आपने टांग रखा है वो वापिस से अपनी जगह पे चला जाता है। उसके बाद हम वजाइनल पैकिंग तैयार करते हैं। पूरा 6 इंच वाला बैंडेज जो होता है वो बैंडेज को हम गीला करते हैं बेटाडीन में और उसके बाद वजाइनल पैकिंग दे देते हैं। वजाइनल पैकिंग देने के बाद हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। ये ध्यान रखने की बात है कि 12 से 24 घंटे के अंदर हमें वजाइनल पैक निकाल देना है। 12 से 24 घंटे के अंदर वजाइनल पैक निकाल देना है। वजाइनल पैक के लिए एक तो 6 इंच वाला पूरा एक गॉज ये बैंडेज हो सकता है या फिर आप क्या कहते हैं कि गॉज का थान में से बना लेते हैं वजाइनल पैक, इतना मोटा सा जो है गॉज का पैक बनाते हैं, या फिर बहुत सारा मार्केट में रेडीमेड भी गॉज पैक आता है, गॉज पैक करके आता है, उसको हम परचेज करके उसको भी बेटाडीन में डाइल्यूट करके हम वजाइना में रख सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा डीएनसी का प्रोसीजर है। किसी को इसमें कुछ पूछना है? सर शुरू में जो एनेस्थेसिया वाला पार्ट बताया थे वो नहीं लिख पाए थे, गलती से लिखा दी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? दिलकश निशात आसी, तुम ही दोनों को सिर्फ करना है ये प्रोसीजर मोस्टली, तो तुम लोगों का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि बॉयज तो खैर डीएनसी वगैरह नहीं करेंगे लेकिन गर्ल्स तो करेंगे डीएनसी, यानी है ना? जी जी सर। तो गर्ल्स बतावे नाजिश साहिन। जी सर। तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? सर एक बात पूछना था, डीएनसी जो करते हैं मेट्रियम को तब उस बायोप्सी या फिर कुछ स्टडीज करने के लिए उसके टिश्यू को निकालते हैं ना? हाँ, जो हम क्यूरेट करके जो प्रोडक्ट निकाले ना उसका हम कल्चर करवा सकते हैं, उसका पीसीआर करवा सकते हैं, उसका हम
बायोप्सी करवा सकते हैं, जो प्रोडक्ट हम निकाले हैं उसको उसका हम कल्चर करवा सकते हैं, उसको उसका कलेक्शन ले सकते हैं, कल्चर करवा सकते हैं, पीसीआर करवा सकते हैं, जो जैसा कि अमन था यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस में करवाते हैं, या फिर पीआईडी के नतीजे में हम एक मिनट हाँ ऊपर रूम में हूँ हाँ पीआईडी के नतीजे में हम उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाते हैं, और ये क्या नाम है आपको बायोप्सी करवाते हैं जब कभी भी हमें मैलिग्नेंसी का चांसेस लगता है तो, ठीक है? यस सर। ओके हाँ समसाद तुम्हारा क्वेश्चन था कि एनेस्थेसिया वाला पार्ट को फिर से समझा दीजिए। एनेस्थेसिया में क्या कहते हैं, एनेस्थेसिया बेसिकली इसमें जनरल एनेस्थेसिया ही देते हैं, लेकिन दो अलग अलग तरह के ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। एक अगर कोई मल्टीपार्स वुमेन है, बहुत रिलैक्स है, तो उसको हम आराम से लॉन्ग एक्टिंग सेडिएटिव से ले सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग सेडिएटिव दे के कर सकते हैं, जैसे डाइजीपाम या मॉर्फिन, डाइजीपाम या मॉर्फिन दे के कर सकते हैं। वहीं अगर कोई नली पारस है या फिर जो है ऐसे एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, या नॉर्मली भी हम लोग शॉर्ट जीए में देते हैं, शॉर्ट जीए के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, केटामिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने ये लिया है, डाइजीपाम लिया है, डाइजीपाम प्रोपोफॉल या फिर ये क्या नाम है आपको मॉर्फिन, तो स्पेशली डाइजीपाम में जो है हम एटजोपिन मिक्स कर देते हैं, एटजोपिन एक एम्पुल डाइजीपाम में एक एम्पुल एटजोपिन अब प्लस 8 to 10 ml डिस्टिल्ड वाटर या नॉर्मल सलाइन मिक्स करते हैं। डाइजीपाम वाला बता रहा हूँ, 8 to 10 ml मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद स्लोली स्लोली आईवी पुश करते हैं, 5 ml तक पुश करने के बाद उसका लेवल ऑफ सेडिएशन चेक करते हैं, और फिर और बाकी रिस्पिरेटरी डिप्रेशन और कार्डियक डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है वो चेक करते हैं। अगर रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कार्डियक डिप्रेशन कुछ नहीं हो रहा है तो पूरा 10 ml डाइल्यूशन जो है वो हम उसको पुश कर देते हैं, और उसके बाद उसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। वहीं अगर केटामिन देते हैं तो केटामिन को भी 2 ml केटामिन इंजेक्शन को 8 ml डाइल्यूशन तैयार करते हैं, जिसमें 8 ml नॉर्मल सलाइन या फिर डिस्टिल वाटर में मिक्स करके 10 ml का डाइल्यूशन तैयार करते हैं। इसमें एट्रोपिन मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट जी है, एक दूसरी चीज पायलाइटिक एजेंट है तो बहुत ज्यादा ये नहीं करता। तो उसके बाद इसको जो है हम स्लोली स्लोली इसको भी आईवी पुश करते हैं, 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 1 ml पुश करेंगे। पुश करने के बाद 5 ml जब पुश कर लेंगे तो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में अमूमन था 5 ml पूरे पूरे एवरी लेडी पूरी तौर पे ये हो जाती है, क्या नाम है आपको एनेस्थेटाइज हो जाती है, और हम प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। आप 5 ml को स्टैंड बाई में रखते हैं, जैसे ही देखते हैं चूंकि शॉर्ट जीए है ये तो जल्दी होश में आती है, तो जैसे ही देखेंगे कि वो उसकी का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये हो रहा है, मरीज अवेक हो रही है, वैसी सूरत में फिर वापिस से 1 to 2 ml पुश करते हैं, वापिस से 1 to 2 ml हम पुश करते हैं, फिर अपना प्रोसीजर कंटिन्यू रखते हैं। वापिस से जब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम होता है तो फिर 1 to 2 ml पुश करते हैं, और इस तरह से हम ओवरऑल 10 ml में एक डीएनसी हो जाता है, ठीक है जी। और कुछ का क्या यूज है सर, केटामिन का क्या यूज है सर, नहीं समझे। एनेस्थेटिक एजेंट है। अच्छा एनेस्थेटिक, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट है ये, एनेस्थेसिया के लिए यूज करते हैं। आप किए हैं क्या कभी सर ऐसा? कितना कर चुका हूँ यार, कभी की बात करता कितना कर चुका हूँ।
तो कभी सर बुलाइएगा सर देखने के लिए कभी ऐसा। यहाँ होता थोड़ा ही है आपके वहां से, दरभंगा में। दरभंगा में हम थोड़े कहते हैं, वो सब पहले किए थे, दो पीजी करने से पहले सब किए थे। करे सर यहाँ तो स्टार्ट कीजिए ना सर, हम लोग कुछ सीखेंगे कम से कम। अच्छा आप ही कर सकते हैं सर यहाँ पे स्टार्ट। दीप हॉस्पिटल पेशेंट लाओगे कहाँ पे सुरेमान भाई? अरे यार जहाँ पे सोर्स रहता है ना पेशेंट पहुंच जाता है, लाए नहीं जाता है। पेशेंट आ जाएगा, प्रोसीजर स्टार्ट। अभी आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा सुनो सुनो सुनो, नहीं स्टार्ट होने का वजह क्या है? वजह ये है इंडोमेट्रियल एब्लेशन या रिसेक्शन और दूसरा हिस्टेक्टोमी। इंडोमेट्रियल एब्लेशन या रिसेक्शन में बेसिकली ये या तो प्रेग्नेंट वोमेन में किया जाता है जैसे डीएनई कहते हैं, तो या फिर जो है अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है डीयूबी का तो वैसी सूरत में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि आपको हिस्टोस्कोप के जरिए इसका इंडोमेट्रियम का रिसेक्शन किया जाता है कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, उसको स्विचिंग किया जाता है, उसको स्विचिंग किया जाता है हिस्टोस्कोप के जरिए स्विचिंग किया जाता है। अगर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ छोटा मोटा पॉलिप है तो उसको कट करके फिर उसको स्टिच करते हैं ताकि वहां से जो ब्लीडिंग हो रहा है वो ब्लीडिंग बंद हो जाए। इसके अलावा हिस्टेक्टोमी जिसमें आपको पूरे यूट्रस को काट के निकाल दिया जाता है, दो जगह से किया जाता है, पहला एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, दूसरा वजाइनल हिस्टेक्टोमी। एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी ज्यादातर केसेस में होता है, वजाइनल हिस्टेक्टोमी सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस वो भी सेकंड डिग्री और मोर है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस सेकंड डिग्री और मोर प्रोलैप्स है या थर्ड डिग्री है, सेकंड और थर्ड डिग्री प्रोलैप्स है, तभी जाके हम वीएच कर सकते हैं, नहीं तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी ही किया जाएगा। ठीक है लिखा दीजिए ना सर। क्या हिस्टेक्टोमी? हिस्टेक्टोमी का पूरा प्रोसीजर? हाँ अभी जो बोले नेट से लिख ले भाई। अरे हिस्टेक्टोमी का प्रोसीजर सर्जन रहता है यार, खैर अगर लिखना चाहते हो तो लिखा सकता हूँ। ठीक है तो ऐसा कहते हैं हिस्टेक्टोमी, दोनों हिस्टेक्टोमी एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी भी और वजाइनल हिस्टेक्टोमी भी, दोनों का प्रोसीजर हम कल लिखाएंगे। ठीक है इवन के जी ठीक है सर, इंडोमेट्रियल एब्लेशन और रिसेक्शन भी लिखा देंगे। तो ये दो दिन में कल परसों में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, हिस्टेक्टोमी कैसे किया जाता है या फिर जो है एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी कैसे किया जाएगा, तो वजाइनल हिस्टेक्टोमी कैसे किया जाएगा या फिर इंडोमेट्रियल एब्लेशन या रिसेक्शन कैसे किया जाएगा, इसको हम अगले दो दिन में लिखा देंगे। ठीक है जी। सर एक रिक्वेस्ट है, क्लासेस का टाइम को लेकर सर। देखो मैं 3 बजे से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेने में, या तो फिर 4 बजे लो या सुबह 9 बजे लो, अब ये तुम लोग डिसाइड करके बता देना। जो लोग स्पेशली रेगुलर स्टूडेंट है जैसे शमशाद हो गया, सईमुद्दीन हो गया, दिलकश जहां हो गए, मुजफ्फर हो गया, निषाद हो गए, ये सब रेगुलर स्टूडेंट है, इन लोगों का सबका राय एक बनेगा 9 बजे से या 4 बजे से, तभी मैं 3 बजे भी तो है 3 बजे सब कोई सर फ्री है सर, अगर 3 बजे हम फ्री नहीं, 3 बजे हम फ्री नहीं बाबू। 3 बजे सर रेगुलर जो है क्लास होते रहता है उसी टाइम लगे हाथ आपका भी हो जाता है, नहीं तो सब इधर उधर हो जाते। 9 बजे बता दे रहे या तो सुबह 9 बजे ले लो या फिर 4 बजे लो, और नहीं तो जो टाइम है उसी टाइम पे। हालांकि इस टाइम में भी मुझे कम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी हम